अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर दुनिया में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। हमें रोक रहे हैं, क्या मतलब है रोकने का? शहर के बीच में ऐसी कहीं रोक लिए? अरे एसपीजी का इशू नहीं है, ये यूपी पुलिस का इशू है। कोई हमें रोकने का कोई मतलब ही नहीं है क्या? बीच सड़क में ऐसे ही रोक लिया, पूरी सारी चौराहे के बीच में? अचानक पुलिस की गाड़ी आगे आई और उन्होंने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे रोक ली और हमें कहा कि आप नहीं जा सकते। तो हमने पूछा भाई क्यों नहीं जा सकते, इनको तो मालूम भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो रोकने का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते, नहीं आप नहीं जा सकते, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा फिर मुझे रोकिए। तो मैं गाड़ी से उतर गई और मैंने कहा मैं पैदल जाऊंगी, मैं पैदल चलने लगी। फिर मुझे घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे धकेला। तो पुलिस वालों ने आपको धकेला? हाँ, एक महिला पुलिस कर्मचारी ने। मैं गिर गई। नहीं, फिर मैं चलती रही। थोड़ी देर बाद फिर मुझे रोका, फिर मुझे पकड़ा। तो मैं अपने कार्यकर्ता के टू व्हीलर पे बैठ के उनके साथ चली गई। उसके बाद उन्होंने उस टू व्हीलर को घेरा, तो फिर मैं उससे उतर गई और वहाँ यहाँ तक पैदल आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं इनसे मिलना चाह रही थी, इनके साथ बहुत गलत हुआ है। ये 77 साल के एक एक्स पुलिस ऑफिसर हैं जो अपने घर में शांतिपूर्वक अपने घर में थे। एक फेसबुक की पोस्ट डाली उनने, उस फेसबुक की पोस्ट में बाकायदा उन्होंने कहा है कि अहिंसा का मतलब जो मतलब बगैर हिंसा किए अहिंसात्मक प्रदर्शन होना चाहिए, किसी को गलत काम नहीं करना चाहिए। फिर भी आके उनको उठा के जेल ले गए। उनकी उनकी बीवी बहुत बीमार है, उठ नहीं पा रही है, पलंग पे लेटी हुई है, रो रही थी अभी। मतलब ये सब किस लिए? क्योंकि आपकी नीति पब्लिक को पसंद नहीं आई। लखनऊ में आपको रोका जी, हर जगह रोकती क्यों है पुलिस? क्योंकि मुझे रोक नहीं पाती। नानी उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।